हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए पिंक ग्लो चैनल को, साथ ही इस घंटे को दबाना मत भूलिए। ब्यूटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुफ्त में पाने के लिए। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ग्रहण का नाम सुनते ही हर किसी की चिंता बढ़ जाती है, खासकर उनके घरों में जिनके घर में कोई महिला प्रेग्नेंट हो। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो ऐसी स्थिति में सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ऐसा तभी होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सरल रेखा में होते हैं, तो चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात में ही होती है। दोस्तों, वर्ष 2019 में पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण 21 जनवरी 2019 दिन सोमवार को लगने वाला है। पूर्ण चंद्र ग्रहण का समय सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर 12:21 तक रहेगा, इसलिए यह चंद्र ग्रहण भारत में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, ग्रहण काल के दौरान खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने बच्चे को ग्रहण के कुप्रकोप से बचाकर रखना चाहिए। दोस्तों, आइए बात करते हैं ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिला को क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि ग्रहण का बुरा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर ना पड़े। ग्रहण काल के दौरान प्रेग्नेंट महिला को चाकू, कैंची या किसी धारदार वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा बच्चे के होंठ कटे हुए पैदा हो सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान प्रेग्नेंट महिला को भोजन करना, भोजन पकाना या सजना सवरना नहीं चाहिए। इस दौरान प्रेग्नेंट महिला को सोना नहीं चाहिए। आपके सोने से नींद में हाथ पैर दब सकते हैं, इसलिए इस दौरान आप अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहें या कोई किताब भी पढ़ सकती हैं। ग्रहण काल के दौरान प्रेग्नेंट महिला को सुई का प्रयोग या सिलाई का काम नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे के हृदय में छिद्र होने का खतरा रहता है। ग्रहण काल के दौरान ना तो आपको कुछ खाना है और ना ही पानी पीना है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान पानी पीने से प्रेग्नेंट महिला को डिहाइड्रेशन हो जाता है और बच्चे की त्वचा सूख जाती है। ग्रहण काल के दौरान प्रेग्नेंट महिला को घर के अंदर ही रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण को नग्न आँखों से देखने से गर्भ में पल रहे बच्चे की आँखों पर असर पड़ता है। ग्रहण काल के दौरान हानिकारक किरणें वातावरण में फैल जाती है, जो प्रेग्नेंट महिला और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए हानिकारक होता है। ग्रहण समाप्ति के बाद पहले के पकाए हुए भोजन ना खाएं। आप फिर से दोबारा भोजन पकाकर ताजे भोजन खाएं। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं ग्रहण के कुप्रकोप से बचने के लिए गर्भवती स्त्री को किन उपायों को करना चाहिए। ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को जरूर नहा लेना चाहिए, वरना गर्भ में पल रहे बच्चे की त्वचा संबंधी बीमारी लग सकते हैं। ग्रहण के कुप्रकोप से बचने के लिए प्रेग्नेंट महिला को तुलसी का पत्ता जीभ पर रखकर हनुमान चालीसा और दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए, इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है। ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए प्रेग्नेंट महिला के लंबाई के बराबर माप की कोई सीधी लकड़ी घर के किसी कोने में रख देनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से प्रेग्नेंट महिला को ग्रहण के कुप्रकोप नहीं पड़ता है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं, ग्रहण काल के दौरान निकलने वाली विनाशकारी अल्ट्रावायलेट किरणें भ्रूण को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, इसलिए ग्रहण काल में प्रेग्नेंट महिलाओं को इन सावधानियों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, अगर यह जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।